उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विवादास्पद मस्जिद अटाला मस्जिद को लेकर एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद आज SDM भू राजस्व रजनीश कुमार राय ने मौके पर पहुंच मामले की जांच की और वायरल वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मस्जिद के अंदर लगे मंदिर के साक्ष्य वाले पत्थरों को घिसकर समतल किया जा रहा है, इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक ट्वीट कर कहा है कि जौनपुर जिले की अटाला मस्जिद के संबंध में किसी ने एक वीडियो भेजा है। इसमें दावा किया है कि अटाला मस्जिद की उत्तरी गेट की बालकनी को हरे पर्दे से ढककर दीवारों के पत्थरों को ग्राइंडर से चिकना किया जा रहा है और मंदिर का साक्ष्य नष्ट किया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए आज SDM भू राजस्व ने जांच पड़ताल की और बताया कि कल पुरातत्व की टीम आकर इसकी जांच करेगी। जिले के सिटी कोतवाली स्थित नगर के शिपाहा मोहल्ले में गोमती किनारे स्थित ये मस्जिद पूरे भारत भर में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अटाला मस्जिद पर अब विवाद बढ़ रहा है जिसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विवाद इस पद मस्जिद अटाला को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद से ही प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो के वायरल होने के बाद जब ट्वीट CM योगी व DM को किया गया, उसके बाद आज DM ने एक टीम गठित कर मामले की जांच के लिए भेजा, जिसमें SDM भू राजस्व रजनीश कुमार राय ने बताया कि अटाला मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित संरचना है जिसका मेंटेनेंस का दायित्व भारतीय पुरातत्व विभाग को है। ये अटाला मस्जिद जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित संरचना है और इसके मेंटेनेंस का दायित्व भारतीय पुरातत्व विभाग को है। एक वीडियो वायरल हुआ था, अनावश्यक सेंसेशन पैदा किया गया था। इस मस्जिद में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई घिसाई नहीं हुई है। सामने इसके जिस गेट की बात की जा रही है उत्तरी गेट की, उसके सामने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी घिसाई की आवाज़ रिकॉर्ड की गई और दिखाया अटाला मस्जिद को गया, वो गलत है, एकदम प्योर गलत है। केवल सेंसेशन पैदा करने के उद्देश्य है, भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है और भारतीय पुरातत्व के अधिकारी कल आएंगे, जो भी चेंजेज होगा वो अपने हिसाब से बताएंगे, कराएंगे, जो मेंटेनेंस होगा वो कराएंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर के कुछ निर्देश? इंक्रोचमेंट को लेकर के जो दुकानें नीचे खुली हैं, पहले दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी, चलिए खुल गई हैं, कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन जो लोग मस्जिद के आगे अपना टिन शेड या दुकान ये बढ़ाए हुए हैं उसको हटाने को उनको लोग बता दिया गया, चबूतरा नीचे से हटाने को था। पहले सर ये बाहरी पर्यटकों के लिए भी और फोटोग्राफी भी अलाउड थी, लेकिन इधर बीच कुछ दिनों से इस पे फोटोग्राफी बंद? नहीं नहीं, वो बंद नहीं है, कोई बंद ही नहीं है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है और तमाम तरह की। देखिए, अंदर जाने की अनुमति तो भारतीय पुरातत्व विभाग जैसे किले में टिकट लगाता है, यहाँ भी टिकट लगाते जाएं लोग, पहले मैं कल हम बात करेंगे, टिकट लगे जाएं लोग, ये थोड़ी कि भीड़ चली जा रही है या कोई भी चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर थे जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था, तो वो झूठ ट्वीट किया गया था, नितांत झूठ था, केवल सेंसेशन पैदा करने के लिए, अपना नाम प्रसारित करने के लिए ये ट्वीट किया गया। एक चीज़ और, जो उस दिन हम बताए थे बेनीराम हलवाइयों का, कल हम लोगों ने देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।